हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू जस्ट एजुकेशन। तो आज है 13 मार्च और 13 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में आई एम ऑल्सो डिजिटल नाम से एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केरल की सरकार ने आई एम ऑल्सो डिजिटल नाम से एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में प्रकाशित हुई एडवेंचर्स ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेट नामक पुस्तक किस पूर्व मुख्यमंत्री की कहानी बताती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अच्युता मेनन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हंसराज भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह किस पोर्टफोलियो के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे? ऑप्शन है डिफेंस, लॉ एंड जस्टिस, फाइनेंस या एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हंसराज भारद्वाज लॉ एंड जस्टिस पोर्टफोलियो के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में किस भारतीय खिलाड़ी को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है दुत्ती चंद को, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है कोवो पंजाब, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर जाके आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे भी सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश में खेले जाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2021 न्यूजीलैंड में खेले जाने की घोषणा की है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है? तो पहली महिला DIG बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस से सम्मानित किया है राजेश चपलोत को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किसने किया है? तो विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविलियंस, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने विकास परिषद, जिला परिषद और ग्राम सरपंचों की महिला सदस्यों को स्कूटर देने का ऐलान किया है? तो यह ऐलान किया है हरियाणा की राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 13 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देखा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।